नमस्कार। दैनंदिनी समाचार आज का अखबार आज है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज पितृमोक्ष अमावस्या है, पितरों को विसर्जन का अंतिम दिवस अमावस्या, और कल से तैयार माता रानी का स्वागत करने के लिए। कल से शुरू हो रही है कुंवार नवरात्रि। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों पर। उत्तर प्रदेश में भूपेश बघेल को नहीं मिली अनुमति विमानतल से बाहर निकलने की। प्रियंका से मिलने पहुंचे थे लखनऊ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कल भूपेश बघेल के विमान को उतरने नहीं दिया गया था। दूसरे दिन भूपेश बघेल पुनः पहुंचे लखनऊ नियमित विमान से, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की नहीं मिली अनुमति। आज राहुल के साथ फिर से जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण छत्तीसगढ़ के दौरे पर रही। छत्तीसगढ़ में कहा देश की इकोनॉमी कर रही है ग्रोथ, कांग्रेस को बताया कमजोर और झूठा। पहली बार जनसंपर्क विभाग में आईपीएस को जिम्मा, आईपीएस दीपांशु काबरा बने जनसंपर्क आयुक्त। और जनसंपर्क सचिव की जिम्मेदारी मिली आईएएस सिद्धार्थ कोमल परदेशी को, वहीं शौमिल रंजन चौबे बनाए गए संचालक जनसंपर्क। सिर्फ तीनों ही पदों पर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति जनसंपर्क। और सेंसेक्स चढ़ा 446 अंक, निफ्टी 17,800 अंक के पार, लगातार बनी हुई है शेयर बाजार में तेजी। आइए नजर डालते हैं लॉकर संबंधी अधिकार, क्या क्या लॉकर संबंधी अधिकार बैंकों को जारी किए हैं दिशा निर्देश आरबीआई ने। लॉकर संबंधी नियमों में हो गया है बदलाव, बैंक को लॉकर तोड़ने तक का दिया गया है अधिकार। आरबीआई ने दिए बैंक को नए दिशा निर्देश, लॉकर लेने वाले को अलर्ट करेगा बैंक। आइए नजर डालते हैं क्या क्या है अधिकार अब बैंकों को लॉकर के संबंध में। बैंक तोड़ सकता है लॉकर। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है बैंक लॉकर को तोड़ने और लॉकर की सामग्री को अपने नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर यह 7 साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है और नियमित रूप से किराए का भुगतान करने पर भी लॉकर किराएदार का पता नहीं लगाया जा सकता है तो यह नियम लागू होगा। साथ ही जनहित की रक्षा करते हुए केंद्रीय बैंक ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी लॉकर को तोड़ने से पहले उन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा बैंकों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी करता है। इस दिशा निर्देश के साथ कहा गया है लॉकर लेने वाले को अलर्ट करेगा बैंक। बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल फोन पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा बैंक। अगर पत्र बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर हायरर पर लेने वाले का पता नहीं चलता है तो बैंक लॉकर हायरर या किसी अन्य व्यक्ति को जो लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है उसे जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए 2 समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। इन 2 समाचार पत्रों में से एक अंग्रेजी और दूसरा स्थानीय भाषा का समाचार पत्र होगा। लॉकर खोलने संबंधी दिशा निर्देशों में आगे कहा गया है बैंक के एक अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। आरबीआई ने आगे कहा है कि लॉकर को खोलने के बाद सामग्री को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए जिसे विस्तृत इन्वेंटरी के साथ एक फायर प्रूफ तिजोरी के अंदर एक टेम्पर प्रूफ तरीके से ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक सभी सामग्रियों को रखा जाए। बैंकों और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अनेक दिशा निर्देशों को जारी किया। ये थे लॉकर खोलने संबंधी दिशा निर्देश बैंकों के लिए। अब बात करते हैं आईपीएल के। आईपीएल में जारी है प्लेऑफ की जंग। रोहित के ब्रह्मास्त्र साबित हुए नाइल और शीशम, राजस्थान को 8 ओवर में ही किया पस्त। 8 विकेट से हराया राजस्थान को। और बेंगलोर और दिल्ली भिड़ेंगे आज ISSF विश्व चैंपियनशिप जूनियर में। ऐश्वर्य ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, जीता सोने का तमगा। आईपीएल की 2 नई फ्रेंचाइजी टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को। 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक जा सकता है टीमों का दर। ये थे आज के खास समाचार। कल फिर मुलाकात होगी नए समाचारों के साथ।